हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम सिंगल कलर के ऊन से डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो मैंने सिलाई पर 4 के मल्टीपल से फंदे डाल लिए और 2 सिलाई बॉर्डर की निकाल लिए। मैंने सिलाई पर 24 फंदे डाल लिए। तो आइए डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। राइट साइड सीधी तरफ से फर्स्ट रो पहली सिलाई, एक फंदा सीधा उतार लेंगे और एक फंदा बुन लेंगे, यानी 2 सीधे हो गए। 2 सीधे ऊन अपनी तरफ की, आगे की 1, 2, 3 फंदे मैंने बिना बुने उतार लिए। ऊन पीछे की 1 फंदा सीधा, फिर ऊन आगे की फिर 3 फंदे उतार लिए, 1, 2, 3 ऊन पीछे की। तो ये तो 2 तो साइड के फंदे हैं, है ना, एक साइड का फंदा है, 3 ये बीच में, ये यूँ ले लो, ये 3 और 1 4, ये 4 के मल्टीपल से यहाँ से यहाँ तक रिपीट पैटर्न है, ठीक है। फिर एक सीधा, 3 बिना बुने उतारने, एक सीधा बुनना, तो ये 4 हो गए ना, 1, 2, 3, फिर एक सीधा, फिर उन अपनी तरफ की 1, 2, 3 उतार ली, फिर एक सीधा, 3 और 1 4, 4 के मल्टीपल में फंदे डाले हमने, फिर 1, 2, 3 फिर एक सीधा, ठीक है। और फिर ये 2 सीधे बुन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ शुरू में 2 फंदे सीधे, इधर भी 2 फंदे सीधे, इधर 3 फंदे सीधे हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड रो, रॉन्ग साइड सेकंड रो, ये फ्रेंड्स ये फंदा उतार लिया मैंने, और इस सेकंड रो फ्रेंड्स पूरी पूरी उल्टी निकलेगी इस तरह से। डिजाइन बहुत सरल है फ्रेंड्स, उल्टा सीधा ही बुनना है, एक सिलाई का डिजाइन है वैसे तो ये, पूरी सिलाई उल्टी बुन के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी निकाल दी सिलाई, तीसरी रो बस ही फर्स्ट रो की तरह 2 सीधे 3 स्किप किए, फिर एक सीधा, फिर 3 स्किप किए, तीसरी रो हुई मैं। चौथी रो फ्रेंड्स रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से पूरी उल्टी उल्टी निकलेगी, एक उतार लिया मैंने, बाकी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के आगे क्या करना है बताती हूँ मैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाई में इस तरह से दिखता है हमारा पैटर्न, दिख रहा है। अब 5वीं सिलाई ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न की 5वीं सिलाई है थोड़ी सी इम्पोर्टेंट। ये उतार लिए, ये सीधा बन लिए, फिर क्या करेंगे, ये जो 3 हमने बनाए थे ना फंदे उतारे थे बीच में इसके, इसका एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, यानी कि शुरुआत में 3 सीधे, ठीक है। अब ये सेंटर का फंदा है ना, इसको मैं सीधा बुनूंगी, और ये 2 लाइनें इसके नीचे से ले जाके, ये 3 हो गए, 2 तो लाइनों में, 1, 2 और ये तीसरा फंदा, इन इसको सीधा बनते हुए नीचे ले आऊँगी सिलाई को, इस तरह से बना, ये फंदा छोड़ दूँगी मैं, ठीक है। फिर 3 सीधे, 1, 2, 3, फिर ये सेंटर का फंदा आ गया, इसको मैं इन 2 धारियों के नीचे से लेते हुए सीधा बुनूंगी, इन तीनों को, एक तो फंदा ये 2 धारियाँ नीचे ले जाते हुए यूँ सीधा बुन लूँगी। फिर 3 सीधे, 1, 2 और 3, ठीक है। फिर ये सेंटर का फंदा आ गया, इसको मैं इन 2 धारियों के नीचे से ऊन ले सिलाई ले डाल के और फंदे में भी डाल के तीनों को सीधा बनते हुए नीचे से निकालूंगी, 2 धारियों के नीचे से सिलाई और फंदा छोड़ दूंगी। फिर 3 सीधे, 1, 2, 3 सीधे, फिर ये सेंटर का फंदा आ गया बीच का, ये 2 तो ये धारियाँ, तीसरा ये फंदा, इन तीनों को सीधा बुनते हुए इसके नीचे से निकाल देंगे। फिर 3 सीधे, फिर ये सेंटर का फंदा आ गया, सीधा ही बुनेंगे, तीनों को सीधा बुनेंगे, 2 धारियाँ एक फंदा,
और इसके नीचे से निकाल देंगे। फिर एक दो तीन और ये चार, ये चारों फंदे मैंने सीधे बुन लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई पांच सलाई। इस तरह से डिजाइन दिखता है, बहुत सुंदर लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट में डालें आप। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन समय पर मिले। और एक फ्रेंड्स तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो हम पांच सलाई निकाली, छठी सलाई उल्टी तरफ से एक फंदा उतार लिया और छठी सलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। मिलते हैं निकाल के। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है। छह सलाई में उभर कर आता है, बहुत सुंदर लगता है। बच्चों के स्वेटर में डालें, जेंट्स स्वेटर में डालें, बहुत ही सुंदर लगता है। अब हम हमारी नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं शुरू में क्या करूँगी, राइट साइड में फर्स्ट रो में, इसमें थोड़ा चेंज आएगा। पहले फर्स्ट रो में हमने दो सीधे बने थे, एक उतार लिया था एक सीधा बना था, फिर तीन स्किप की। इसमें हम फर्स्ट रो में सेकंड डिजाइन डालने के लिए फर्स्ट फंदा उतार लूँगी और तीन फंदे सीधे बन लूँगी। दो तीन, फर्स्ट पहली वाली सिलाई में तो हमने दो फंदे सीधे बने थे, यहाँ चार फंदे सीधे बन लिए। एक तो उतारा हुआ और ये तीन बन लिए। फिर धागा अपनी तरफ लिया, वही तीन स्किप कर लूँगी। ये मतलब ये जो बीच में सीधा फंदा रहा है, ये और इसके आजू बाजू वाले, ये तीन फंदे स्किप हो जाएंगे। समझ गए ना फ्रेंड्स। फिर उन पीछे ले लूँगी और एक सीधा बन लूँगी, फिर उन आगे ले लूँगी। ये सीधा दिख रहा है आपको, सीधा दिख रहा नहीं साफ, ये और इसके इधर इधर वाले फंदे दोनों, ये दोनों तो आजू बाजू वाले और एक बीच वाले, ये तीनों स्किप कर लूँगी और एक फंदा सीधा। फिर पून आगे एक दो तीन स्किप कर लूँगी, बस ये निशानी है। मतलब कौन से स्किप करने के, सीधा जो चले है ना फंदा, उसको यूँ उसके आजू बाजू वाले। ठीक है, तो एक बन लिया, ये बीच वाला सीधा भी उल्टा नहीं, उल्टा नहीं मतलब स्किप करना है, स्किप करना है। दो और ये तीन स्किप कर लिए, फिर एक उन पीछे ले जाके एक सीधा, फिर एक दो तीन स्किप कर लिए, तीन स्किप कर लो या स्किप करो, नहीं तो इनको भी सीधा बनवाओ। इनको भी हम जितने फंदे बच रहे उनको सबको सीधा बनेंगे, साइड के है ना इसलिए। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है। अब वो सेकंड पैटर्न की सेकंड सिलाई उल्टी, पूरी उल्टी उल्टी निकाल के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पैटर्न डालना शुरू कर दिए। ये धारी बन गई तीन स्किप की उन फंदों की। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये वाली डिब्बी है जो यहाँ बन जाएगी और ये वाली डिब्बी यहाँ बन जाएगी। ये जो राउंड है उसकी जगह बदल जाएगी और वो जो यहाँ से यहाँ तक छह सलाइयाँ निकाली थी वो के ऊपर रिपीट होगी और प्लेस चेंज हो जाएगी इसकी राउंड की, है ना। तो पूरा फाइनल लुक में थोड़ा बन के बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पांच सलाई में डिजाइन डलता है वो वापस देख लीजिए एक बार। मैंने दो सीधे बन लिए, फिर एक और सीधा बन लिया, तीन सेंटर वाले तीन थे ना जो स्किप किए थे। अब ये एक पट्टी दो पट्टी, तीसरा ये सीधा फंदा, ये पट्टी दोनों ऊन के नीचे से और ये इस सेंटर वाले फंदे में, तीनों में सिलाई डाल के इन तीनों को सीधा बनते हुए यूँ नीचे से निकाल लूँगी। फिर तीन सीधे, एक दो और ये तीन सीधे, फिर जो ये तीन स्किप किए उसके सेंटर का फंदा आ गया, ये दो इसमें डाल दिए, एक दो और ये तीसरा सीधा फंदा, इन तीनों को सीधा बनते हुए इसके ऊन के नीचे से निकालेंगे। ये तितली से बन जाएगी, दिख रहा है ये तितली से बन जाएगी। फिर तीन सीधे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर ये दो ऊन के नीचे से और ये सीधा बनते हुए नीचे से निकालेंगे। ये तितली बन गई ना क्रॉस में, ऊपर तितली बन गई। फिर तीन सीधे इस तरह से पूरा करके फाइनल लुक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे डिजाइन का फाइनल लुक कैसा दिखता है।
उभर के बहुत सुंदर आता है, तो आप भी बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।